नमस्कार। आज 20 तारीख है, दो दिन और रह गए हैं इंतज़ार के। 23 तारीख को सुबह से इन चुनावों के नतीजे आने शुरू होंगे, लेकिन इस वक्त एग्ज़िट पोल से मचा हुआ शोर वो सब जगह फैला हुआ है और सब एग्ज़िट पोल्स ने मौजूदा सरकार को जिता दिया है। टाइम्स नाउ ने एनडीए को 306 सीटें दी हैं, एनडीए को, यूपीए को 132 दी हैं, यूपीए को, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र अलग अलग नहीं है, और अन्य को 104 दी हैं। इंडिया न्यूज़ ने एनडीए को 298 दी हैं, यूपीए को 118, अन्य को 127। रिपब्लिक ने एनडीए को 295 से 315, यूपीए को 122 से 125 और अन्य को 102 से 125। अब ये वो चैनल्स हैं जिन्हें मौजूदा सरकार के नज़दीक माना जाता है। अब आते हैं दूसरे चैनल्स पर। एक और चैनल है, उसे भी सरकार के नज़दीक माना जाता है और है न्यूज़ 18। उसने एनडीए को 292 से 312 दिए हैं। न्यूज़ एक्स ने एनडीए को 242 दिए हैं, यूपीए को 164। एबीपी नीलसन एनडीए को 267, यूपीए को 127 और न्यूज़ 18 एनडीए को 336 और यूपीए को 82। इंडिया टुडे एक्सिस पोल एनडीए को 339 से 368 और यूपीए को 77 से 108। अब आपको थोड़ा सा इतिहास बता दें कि एग्ज़िट पोल्स का इतिहास क्या रहा है। अगर हम देखें 1998 से लेकर 2014 तक एग्ज़िट पोल सही साबित नहीं हुए हैं, बहुत कम सही साबित हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, 1998 में बीजेपी की 252 सीटें आई थी, जबकि सिर्फ आउटलुक वाले 238 तक पहुंचे थे, बाकी सब ने बहुत कम दी थी। कांग्रेस की 166 सीटें आई थी, लेकिन सिर्फ कोई भी इनके नज़दीक, हाँ 164 सीटें इंडिया टुडे वाले पहुंचे थे इनके नज़दीक, और 119 सीटें आई थी औरों की, और इसके अलावा कोई भी इनके नज़दीक नहीं पहुंचा था, बल्कि बहुत ज़्यादा दिखाई थी। किसी ने 154 दिखाई, 139 दिखाई, 182 दिखाई, 265 दिखाई। 98 के चुनाव आपको याद होगा कि सिर्फ 13 महीने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली थी और 13 महीने के बाद वो सरकार गिर गई थी। 1999 में फिर चुनाव हुए थे जब करगिल हो चुका था और परवेज़ मुशर्रफ तब राष्ट्रपति बन चुके थे पाकिस्तान के, आपको याद होगा। 1999 के चुनाव में 296 सीटें आई थी एनडीए की, ठीक है जी। उससे पहले बीजेपी की 182 आई थी 1998 में, 1999 में भी 182 ही आई थी। मुझे याद है तब मेरे दोस्त मरहूम अरविंद नारायण दास और मैं चुनाव विश्लेषण कर रहे थे जी न्यूज़ पर, और सुबह सुबह एलके अडवाणी भी हमारे उस पर ओबी वैन पे थे और ये नरेंद्र मोदी भी हमारे ओबी वैन पे थे, और उस वक्त अरविंद देसाई, अरविंद दास ने, जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा था कि आपकी पिछली दफ़े भी 182 सीटें आईं, इस दफ़े भी 182 सीटें आई हैं, तो मुझे तो संस्कृत की वो कहावत याद आ रही है, पुनर्मूषकः भव। तो ये एनडीए की सीटों की वजह से हुआ कि 296 तक पहुँचे और सरकार एनडीए की बनी 1999 में। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पूरी चलनी थी टर्म इसकी, लेकिन इन लोगों को लगा कि 4.5 महीने पहले ही चुनाव करवा लिए जाएं, क्योंकि कुछ असेंबली इलेक्शंस में इनकी जीत हुई थी, तो फील गुड फैक्टर कहा गया और इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया, और फिर 2004 के चुनाव हुए। अब 2004 के चुनाव में 189 सीटें मिली थी एनडीए को, ठीक है, लेकिन आउटलुक ने 290 सीटें दी थी, यानी 100 सीटें एकदम ज़्यादा, 99 सीटें। आज तक ने इंडिया टुडे ने 248 सीटें दी थी, एनडीटीवी इंडियन एक्सप्रेस 250 दी थी, स्टार सी वोटर ने 275 दी थी, आई थी 189, यानी 200 से 10 कम। अब आप देख लीजिए कितना ऑफ द मार्क था 2004 का एग्जिट पोल, जिसमें अटल बिहारी सरकार की हार हुई थी। उसमें उस वक्त तो फिर सरकार बनाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, यूपीए 1, उसमें उनकी सीटें आई थी, यूपीए की 222 सीटें आई थी, लेकिन किसी ने भी उनको 190 से ज़्यादा, 205 से ज़्यादा नहीं दी थी। 205 दी थी एनडीटीवी ने, और 186 दी थी स्टार सी वोटर ने, 169 दी थी आउटलुक ने, और 190 दी थी आज तक ये इंडिया टुडे वालों ने। 132 सीटें आई थी औरों की, लेकिन औरों के सीटों के नज़दीक सिर्फ 120 सीटें एनडीटीवी पहुंचा था, बाकी बहुत कम थे। अब आप आइए 2009 के चुनाव पर, इसमें यूपीए 2 जीती थी, फिर भी इसमें बीजेपी और एनडीए को 159 सीटें मिली थी इन चुनावों में, जबकि 197
सीटों का, मतलब 37 सीटें ज़्यादा का प्रोजेक्शन दिया स्टार न्यूज़ ने, टाइम्स नाउ ने 183 का दिया था, एनडीटीवी ने 177 का दिया था और हेडलाइंस टुडे ने 180 का दिया था। उधर यूपीए की 262 सीटें आई थी, इनको किसी ने भी 262 नहीं दी थी, 199 दी थी स्टार न्यूज़ ने, टाइम्स नाउ ने 198 दी थी, 216 हैं सबसे नज़दीक एनडीटीवी ने दी थी और 191 हेडलाइंस टुडे ने दी थी। जो दूसरे लोग थे और पार्टियाँ थी उनकी 79 सीटें आई थी सिर्फ, लेकिन उनको 136, 142, 150 और 172 सीटें दिखाई गई थी एग्जिट पोल में। अब 2014 का जो चुनाव हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बीजेपी को मिली थी 282 सीटें, लेकिन एबीपी नीलसन ने सबसे नज़दीक 281 दी थी और उसके बाद सीएनएन आईबीएन ने 280 दी थी, बाकी की संख्या, हाँ फिर 279 भी थी एनडीटीवी की। ये काफ़ी नज़दीक रहा एग्जिट पोल सही नतीजों के, लेकिन कांग्रेस को लेकर ये एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हुआ। कांग्रेस को किसी सबसे ऊपर से किसी ने 97 सीटें दी, एक ने 148 दी, एक ने फिर 97 दी, एक ने 115 दी, फिर 89 दी, फिर 79, एक ने 101 सीटें दी, एक ने 103 सीटें दी, आई सिर्फ 44। कांग्रेस को उस वक्त कूड़ेदान में फेंक दिया लोगों ने उठाकर 44 सीटों के साथ। और पार्टियों की सीटें आईं 217, लेकिन किसी ने भी 200 का भी जो फिगर था वो पार नहीं किया, एक ने 166, 165, 146, 164, 154, 133, 153, 151। अब 5% जो मार्जिन ऑफ एरर होता है प्लस या माइनस वो तो समझ में आता है, लेकिन कुल मिलाकर इतना बड़ा बड़ा मार्जिन हो गलती में, ये तो बिल्कुल राशिफल की तरह होता है। जैसे मेरे एक दोस्त ने फेसबुक पे लिखा कि राशिफल में जो कुंवारे होते हैं उनको भी संतान प्राप्ति का योग बता दिया जाता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तोते बैठे होते हैं सड़क पर भविष्य बताने के लिए, मोटा मोटा अनुमान, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन शोर बहुत मचा हुआ है। इसी शोर में HW न्यूज़ नेटवर्क ने भी अपना एक एग्ज़िट पोल किया। अब इस एग्ज़िट पोल की खासियत यह है कि ये वोटर से पूछकर नहीं किया गया, किसी भी वोटर से बातचीत नहीं की गई, ये एग्ज़िट पोल किया गया है सिर्फ पोलिंग एजेंट्स और जो स्थानीय नेता हैं, लोकल पॉलिटिशियन हैं, उनसे बात करके। तो HW न्यूज़ नेट के जो न्यूज़ नेटवर्क के एग्ज़िट पोल की फिगर्स है वो ये हैं, NDA को 223 सीटें, UPA को 187 और दूसरी पार्टी को 133 सीटें। हम ये नहीं कह रहे कि ये सही होगा, हम कह रहे कि एक नज़रिया ये भी है जहाँ ये सारे एग्जिट पोल जितने भी मैंने आपको बताए वोटर्स से बात करने के बाद निकाली गई फिगर्स, उसकी HW न्यूज़ नेटवर्क का जो है वो सिर्फ पोलिंग एजेंट्स और सिर्फ लोकल पॉलिटिशियन। एक बार फिर सुनिए, NDA की 223 सीटें, UPA के 187, अन्य की और पार्टियों की 133 सीटें। ये भी एक नज़रिया है, इसको भी देख लीजिए, हम इसको इंडोर्स नहीं कर रहे लेकिन देख लीजिए, देखते हैं दो दिन बाद क्या होता है। परसों नतीजे जो भी आए, इतना जरूर है कि भारत के आने वाले सालों की इबारत, राइटिंग ऑन द वॉल जिसे कहते हैं, वो काफी हद तक लिखी जा चुकी है। इतना तय है कि चाहे कोई प्रधानमंत्री बने, एक कमजोर बीजेपी आए और NDA की सरकार बन जाए, क्योंकि जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, हम शुरू से कहते आए हैं कि शुरू से ही कहते आए हैं कि इन चुनावों का फैसला चुनाव के बाद होगा और क्षेत्रीय दल तय करेंगे। अब देखना यह है कि महागठबंधन बना रहता है नहीं बना रहता, चंद्रबाबू नायडू, ये नवीन पटनायक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये किसके साथ जाते देखना होगा। उन्होंने हालांकि कहा है कि जो उड़ीसा का साथ देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो जनाब ये राष्ट्रीय चुनाव हैं पटनायक साहब, ये सिर्फ उड़ीसा का साथ देने के लिए नहीं है, इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, केरल भी शामिल है। एक मुख्यमंत्री और एक नेता की हैसियत से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरे भारत की तस्वीर जहन में रखेंगे कि जो भारत के लिए अच्छा होगा, सिर्फ उड़ीसा के लिए नहीं। बहरहाल देखना होगा, आप मौका परस्ती करते हैं नहीं, आपने शुरू में हाथ मिलाया था NDA के साथ, बाद में आप अलग हो गए थे, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह और भी जो इबारत सामने नज़र आ रही है वो ये है कि एक जिन जो निकल गया बोतल से, कि हिंदू और मुसलमान के बीच की दरार, हिंदू और जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं उनके बीच की दरार पड़ गई है। अभी सरकार 5 साल चले, 2.5 साल चले, मिड टर्म इलेक्शन हो, मोदी की हो या किसी और की हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जिन जो निकला है बोतल से, सांप्रदायिक नफ़रत का, फ़िरका परस्ती का, इसको बोतल में डालना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरे, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान, बेरोज़गार नौजवानों की एक फ़ौज पूरी तैयार है इस वक्त, कहीं ऐसा ना हो
कि जैसे बंगाल में सीपीएम के कार्डर्स हुआ करते थे. कार्डर्स एक यूफेमिज्म है, एक अच्छी मतलब रिस्पेक्टेबल किस्म की शब्दावली है उन लोगों के लिए जो वसूलते भी थे दुकानदारों से भी और काम भी करवाते थे लोगों के. तो ये जो बेरोज़गारों की फ़ौज है, कहीं ऐसा ना हो कि हर शहर में, छोटे बड़े शहर में, गली मोहल्ले में इनके आठ आठ दस दस नौजवान बेकार आपको बैठे दिखें और वो इन तरीक़ों से पैसा कमाएं. अर्थव्यवस्था, इसकी इबारत भी लिखी जा चुकी है. जब तक को बहुत बड़े कदम नहीं उठाए जाते अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना, हमें आने वाले दो एक सालों में तो मुमकिन लग नहीं रहा. और चिदानंद राजघट्टा हैं, उनका ये कहना है कि ये बहुत ही अपने आप में गलत सोच होगी कि हम भारत एक सुपर पावर है, दुनिया की सुपर पावर है. टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, मैं उसको कोट करता हूँ. उनका कहना है, इंडिया नीड्स टू स्टॉप लिविंग अ बिग लाई दैट इट इज़ समहाउ डूइंग वेल एंड इज़ डेस्टिंड फॉर ग्रेटनेस और ग्रेटर पावर स्टेटस विदाउट द हार्ड यार्ड्स, विदाउट बींग अलर्ट, निम्बल एंड फ्लीट फुटेड. भारत एक बहुत बड़ा झूठ इस वक्त जी रहा है कि ये बहुत महान शक्ति है और भी महान होने जा रही है. और एक ये गलत फहमी हो गई है भारत को कि इसने किसी तरह के से मिडिल इनकम की कैटेगरी में ये आ गया है, क्योंकि इसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा या एक 10 करोड़ से ज़्यादा, माफ़ कीजिए, 10 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है. ये कोई पहचान नहीं होती किसी देश की सेहत की. हकीकत ये है कि हम Going up a few notches in the case of in the ease of doing business index cannot hide the harsh truth that we are an unhealthy, unhappy country. Ease of business, या धंधा करने में, काम करने में थोड़ी सी आसानी से हम इस झूठ को छुपा नहीं सकते या इस असलियत को छुपा नहीं सकते, माफ़ कीजिए, इस सत्य को छुपा नहीं सकते कि हम एक बीमार मुल्क हैं और एक दुखी मुल्क हैं. ये कहना है चिदानंद राजघट्टा का. समर हारलंकर स्क्रोल में उन्होंने लिखा है कि मतलब अगर मोदी की सरकार दोबारा आती है तो फिर जो हिंदुत्व इनका है उसकी बात और आगे बढ़ेगी, सिविल लिबर्टीज जो हमारी होती है, नागरिक की जो आज़ादी होती है, उस पर और अंकुश लगेगा. हम जैसे लोग जो आलोचना करते हैं, हम पर कुछ कुछ भी हो सकता है, हम पर इसके अलावा जो हमारे अल्पसंख्यक हैं वो और ज़्यादा घिरा हुआ महसूस करेंगे और उनको और नए शर्तों पर इस देश से अपने जीवन की मतलब अपनी ज़िंदगी की मतलब शर्तें तय करनी होगी, नई शर्तें तय करनी होगी. यह समर हारलंकर का कहना है. कुल मिलाकर देखना बाकी है कि नतीजे क्या आते हैं, और जो भी आते हैं इतना तय है कि जो इबारत लिखी जा चुकी है, लोगों के दिलों में जो नफ़रत बोई जा चुकी है, जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई है कि कहाँ नौकरियों की बात थी, विकास की बात थी, कहाँ पुलवामा और बालाकोट और देश की रक्षा पर आ गई बात, इस जिन्न को वापस बोतल में नहीं डाला जा सकता. इसको ठीक करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए, देखना होगा कि क्या आने वाली सरकार के पास ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसी विजडम, ऐसी सगेसिटी होगी. पिछले 5 साल ऐसा नहीं दिखाते. नमस्कार. अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर. एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए. खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए.